डिग्री सेल्सियस में रहना पसंद है। मुझे हमेशा से लगता था कि बंदर गर्म जगहों पर रहते हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? ये है जापानी मकाक्स। ये जापान के पहाड़ों में रहते हैं जहाँ ठंड बहुत ही ज्यादा रहती है, लेकिन ये तो है ही बर्फ के बंदर। ठंड चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, ये अपने दिमाग के इस्तेमाल से उतना ही ज्यादा मजा करते हैं। सर्दियों में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता, कभी कभी तो इन्हें सिर्फ पेड़ की छाल ही मिलती है, और खुद को गर्म रखने के लिए वो इधर उधर टहलते रहते हैं। इन्हें सर्वाइव करना अच्छे से आता है। बंदर और शरारत न करे ये तो हो ही नहीं सकता, और सर्दियों में उन्हें ठंड से बचना अच्छी तरह आता है अपने विंटर हेल्थ स्पा में जाकर। ओ क्या बात है, ए पानी मत उड़ाओ। ये हुई ना बात, अब आराम से स्टीम बाथ को एंजॉय करो। स्प्रिंग्स जापानी सैलानियों के लिए बनाए गए थे। फिर 40 साल पहले एक दिन मुक्काबिली नाम के एक बंदर ने इसका मजा लेने का सोचा। फिर उसके सभी परिवार वाले भी हॉट स्प्रिंग्स में उतर गए। बंदर को भी इंसान की कॉपी करना अच्छा लगता है। मुझे अपना बात मकैक्स के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना ही जापानियों को। क्या इसलिए उन्होंने बंदरों के लिए स्पेशल नए बात बनवाए? कितने लकी है ना। अब मकैक्स यहाँ रोज आते हैं खुद को गर्म रखने और मजा करने। बाथ से बाहर निकलने पर कितनी ठंड लगती है, और सोचिए अगर बाथ मैट ही बर्फ की बनी हो तो कितना बुरा होगा ना। लेकिन जितना सोच रहे हैं ये उतना भी बुरा नहीं। इनमें एक मोटा अंडरकोट होता है जो गीला नहीं होता, ये एक हेरी वेट सूट जैसा है। ये बंदर खूब मजा कर रहे हैं, और हैरानी की बात ये है कि उन्होंने बुरे हालात को भी मजे और खेल में बदल दिया है। ये क्लेवर और टफ हैं, तो ऐसी सफेद जन्नत को छोड़कर भला कौन जाना चाहेगा, है ना? दुनिया का